प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे 17वीं चौपाई के बारे में, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के महान कार्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी के मंत्र या युक्ति या कहें सलाह को विभीषण जी ने माना था। पूरा संसार जानता है कि वे लंका के राजा बने। तो आइए भाव और भीतर से इस चौपाई को गुनगुना लेते हैं। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं तुमरो मंत्र। अब तुमरो यानी कि हनुमान जी के मंत्र को या फिर युक्ति या कहें सलाह को, तो हनुमान जी के सलाह को विभीषण जी ने माना और वे लंका के राजा बने, ये पूरा संसार जानता है। ये होता है इसका सरल सा अर्थ। अब कथा से आप सब परिचित हो, जब हनुमान जी माता सीता जी की खोज के लिए लंका में पहुंचते हैं और लंका में एक एक कोने कोने की छानबीन कर रहे होते हैं। चौपाइयाँ आप सब जानते हो, सुंदरकांड आप सब पढ़ते होंगे, वहाँ पर लिख रखा है मंदिर मंदिर प्रतिकरी सोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। वहाँ पर हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा यानी कि प्रत्येक किले की शोध करते हैं, खोज छानबीन करते हैं। तभी ऐसे ही रावण के किले के अंदर भी हनुमान जी प्रवेश करते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि रावण बुरी तरह से लेटा हुआ था, तब हनुमान जी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर माता सीता जी उनको दिखाई नहीं देती हैं। हनुमान जी ऐसे ही छानबीन करते करते आगे बढ़ते हैं, तभी सुंदरकांड का पांचवा दोहा बड़ा ही प्यारा है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपीराय। तभी हनुमान जी की निगाह एक ऐसे घर पर पड़ती है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी के धनुष्बाण बने हुए थे और वहाँ पर तुलसी का वृंद यानी कि तुलसी के समूह, अलग अलग तुलसी के पौधे वहाँ पर दिखाई दिए। तभी हनुमान जी मन में तर्क कर रहे थे कि यहाँ पर लंका में सभी राक्षसों के बीच में किसी सज्जन का घर भी हो सकता है। तभी विभीषण जी जागते हैं, मन में तर्क करे कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा। और विभीषण जी जागकर क्या कहते हैं, राम राम जय सिया राम। तभी हनुमान जी समझ जाते हैं कि जरूर किसी सज्जन व्यक्ति का घर है और हनुमान जी फिर से वेश बदलते हैं और विभीषण जी से मिलने जाते हैं। और तभी विभीषण जी को मंत्र देते हैं और तुम रो मंत्र विभीषण माना। और वहाँ पर विभीषण जी हनुमान जी के मंत्र को मान लेते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे देखिए, मैं एक वानर हूँ, जो भी व्यक्ति मेरा नाम ले लेता है सुबह उसे भोजन भी नहीं मिलता है। मुझ जैसे को प्रभु श्री राम जी अपना लेते हैं तो आपको जरूर अपना लेंगे, इसलिए आप सब कुछ छोड़कर प्रभु श्री राम जी की शरण में आइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बात विभीषण जी उस समय नहीं मानते हैं जब उनको उनके भाई की लाज पड़ती है। तब उनको समझ में आता है कि मुझे अब
प्रभु श्री राम जी की शरण में चलना चाहिए। और यहाँ पर हनुमान जी हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जब भी हम दुश्मन के खेमे में जाएं तो वहाँ भी हमें अच्छे लोगों की तलाश जरूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर कोई ना कोई अच्छे लोग मिल जाए। और एक फ़ायदा और हो सकता है, जैसे युद्ध तो होना था ये तो तय हो गया था, लेकिन विभीषण जी लंका के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, तो हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो आसानी से सब कुछ लंका के बारे में बता सके। तो हनुमान जी ने अपनी युक्ति लगाकर विभीषण जी को प्रभु श्री राम जी के बारे में बताया और उनसे माता सीता जी का पता भी पूछा। और बाद में आप सब जानते हो युद्ध में विभीषण जी सारे राज को प्रभु श्री राम जी के सामने खोलते जाते हैं और प्रभु श्री राम जी के लिए युद्ध करना आसान हो जाता है। तो हमें हनुमान चालीसा यहाँ बता रही है कि हमें जब भी दुश्मन के खेमे में जाने का काम पड़े तो हमें अच्छे लोगों की तलाश जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चौपाई, तुम रो मंत्र विभीषण माना, और दुनिया जानती है लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो आशा करता हूँ ये चौपाई आप सबकी क्लियर हुई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।